तो कैसे हैं आप सब लोग? आप में से कुछ लोगों ने यादों की अलमारी, जो सीरीज हमने कुछ समय पहले शुरू की थी, उसे देखा होगा। ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं इस सीरीज के बारे में। यादों की अलमारी क्या है, उसे बनाने का हमारा क्या मकसद है, इस बारे में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊं। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कई तरह से बिजी रहते हैं, जिसमें हम पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को संभालते हैं। पूरे दिन भर की थकान के बाद हम कुछ पल ढूंढते हैं जिसमें हम सबसे दूर जाकर हंसना और मुस्कुराना चाहते हैं। कई लोगों के पास उनके बिताए हुए वक्त की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं या वीडियोज़ होते हैं, जिन्हें देख कर वो उन यादों में कहीं खो से जाते हैं। इन्हीं यादों को देखते समय अक्सर हमारी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान आ जाती है। कई लोगों के पास ये सब नहीं होता है, तो वो बस अपनी आंखें बंद करके कुछ पुरानी अच्छी यादों को याद करते हैं, जिससे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो मैंने अक्सर देखा है कई लोग होते हैं जो बहुत प्यार फैलाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद किसी को पसंद नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे नफरत सी करने लगते हैं। किसी को पसंद करना या ना पसंद करना बहुत आसान होता है, क्योंकि शायद हम उतना वक्त नहीं देते हैं सामने वाले को कि हम अपना नज़रिया बदल पाएं। हम कई लोगों को देखते हैं YouTube पर, जो हमें हर तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, और अक्सर एक यूट्यूबर और उसकी ऑडियंस में एक रिश्ता सा बन जाता है, जिसमें आप एक दूसरे की केयर करने लगते हैं, सब साथ में मुस्कुराते हैं, साथ में रोते हैं। पर इन सब के बीच हम कभी कभार सामने वाले को उतना जान नहीं पाते हैं जितना हमें जानना चाहिए। इस यादों की अलमारी में हम वो सारी यादें ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हम सामने वाले को जान पाएं, उसके बारे में कुछ अच्छी कुछ बुरी हर तरह की बातों को समझ पाएं। तो इस सीरीज़ में मैं किसी एक व्यक्ति के साथ बातें करता हूं, जिसमें मैं कुछ सवाल पूछता हूं, पर ये सवाल उस तरह के नहीं होते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें पूछना अच्छा नहीं होता है, और दूसरा इस सीरीज़ का ये मकसद नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ सामने वाला अपनी यादों की अलमारी को खोले और हम सबको अच्छी और बुरी यादों को दिखाए, ताकि हम उसे और करीब से जान पाएं। वो बातें जो हमने शायद किसी से नहीं की होती हैं, क्योंकि शायद कभी वो वक्त नहीं मिल पाता है। बस वही वक्त को हम यादों की अलमारी बोलते हैं। सारी बातें होने के बाद मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, जिससे वो जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। वो सिर्फ सवाल होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप शुक्रिया बोलना चाहते हैं तो भी बोल सकते हैं उनकी मेहनत के लिए। तो इस तरह का एक सेशन हम यादों की अलमारी में करते हैं। इसके दो एपिसोड हम कर चुके हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अगर सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सुनिएगा। इस सीरीज़ में कोई गेम प्ले नहीं होता है। मैं चाहता हूँ लोग अपने ईयरफोन्स लगाकर आंखें बंद करके सारी बातें सुनें। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी, और अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स को देख सकते हैं YouTube पर। मैं सबसे कहता हूँ, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसे एक मौका ज़रूर दें अपनी बात रखने का। यादों की अलमारी का अगला एपिसोड 14 जुलाई को करेंगे गेम मेट के साथ। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनको इंक्लूड करने के लिए।
आई होप आप सभी लोग यादों की अलमारी सुनने के लिए ज़रूर आएंगे, और आप सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कहीं पर भी नेगेटिविटी मत फैलाइएगा। इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी बहुत अच्छी है, इसे सपोर्ट करिए। कभी कभी लोग एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, तो उन्हें पास लाने का फ़र्ज आप व्यूअर्स का है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।